गिरडी लोकसभा निर्दलीय सांसद प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थन में जेबीके एसएस वक्ता सानिया परवीन गिरडी के कई क्षेत्रों का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाए। जयराम महतो के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। वहीं रामगढ़ की सेरनी कही जाने वाली सानिया परवीन ने कहा, सांसद प्रत्याशी जयराम महतो को इस बार भारी से भारी मतों से विजय बनाने का लोगों से आह्वान किया। वहीं हमारे स्टार सिटी 24 के संवाददाता बहादुर राय से क्या कुछ कहा सानिया प्रवीण ने, देखिए विशेष रिपोर्ट स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार पर। मैं बहादुर राय, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार। इस वक्त मेरे सामने आप देख सकते हैं सानिया प्रवीण जी हैं, जो जेबीकेएसएस के वक्ता हैं। अभी क्षेत्र में जा रहे थे। दीदी, सबसे पहले हमारे चैनल का स्वागत है जी। आपको भी जोहार और आपके पूरे चैनल को जोहार। क्या कुछ कहिएगा दीदी, आज इतने छोटी सी उम्र में आज एक वक्ता के रूप में आप जगह जगह पे जाते हो और अपने वक्ता के माध्यम से लोगों को रुझान की ओर लेके आते हैं, उस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, इसमें सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। अगर पहले जैसा कि अभी हमारे झारखंड में जैसा स्थिति है, जिस तरह लोगों को ठगने का काम हो रहा है, लूटने का काम हो रहा है, बस उन लोगों को मतलब वोटर बैंक के तरह यूज़ किया जा रहा है, भेड़ बकरी की तरह, तो कहीं ना कहीं ये हमारे झारखंड के लिए, हमारे लोगों के लिए दुर्भाग्य का बात है। और अगर हम इतनी छोटी उम्र में कहीं ना कहीं अपने झारखंड के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कोना कोना घूम घूम के, तो कहीं ना कहीं मेरा सौभाग्य है। दीदी, पढ़ने का उम्र में आप झारखंड जगाने चली हो, क्या कुछ कहिए? देखिए, पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी, एक नारा है ना कि लड़ेंगे भी और पढ़ेंगे भी, तो ठीक उसी तरह हम पढ़ भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। आज कहाँ कहाँ आप लोग आज देखिए, कल मेरा इधर ही गिरिडीह में शेड्यूल बना था, तो रात भर पूरा गए लोगों को समझाएं, उसके बाद इधर ही फिर रुके, अभी डायरेक्ट जा रहे हैं। हम अपना लोकसभा भी तो देखना है ना, हजारीबाग लोकसभा संजय मेहता उम्मीदवार है, तो हम लोग का वहाँ 20 तारीख को ही वोट है और यहाँ 25 को है, तो वहाँ पहले देखेंगे। आज वहाँ महारैली है, क्योंकि आज 18 तारीख है, आज हम लोग का लास्ट परमिशन है, तो आज हम लोग वहाँ निकलेंगे अपना एरिया। इतना बड़ा क्षेत्र आप भ्रमण कर रही हो, अभी अभी आप वर्तमान में हजारीबाग लोकसभा, जो कि संजय मेहता का आज लास्ट सभा है, क्या कुछ कहिएगा? थकते उकते नहीं है? देखिए, अगर आज थकेंगे तो फिर आराम तो पहले बहुत किए हैं, आराम से ही आज हम लोग का जीना हराम है, तो कहीं ना कहीं आज अगर हम लोग का मौका है, कहाँ कितना दिन बचा ही हम लोग का वोट में, तो क्यों ना हम लोग इस वोट को एक ऐतिहासिक रूप में बनाएं। जितना भी हम लोग झेलेंगे, जितना हम लोग घूमेंगे, जितना हम लोग को क्या बताए, जितना हम लोग पहले आराम किए उतना जीना दुश्वार अभी हराम है, तो कहीं ना कहीं अब अगर अभी लड़ेंगे, अभी लोगों को समझाएंगे, तो आगे चल के हम लोग को ज़रूर मेहनत का फल मिठाई होता है। दीदी, आप एक तरह का कहा जाए तो लड़की है, महिला है, इतना बड़ा क्षेत्र को भ्रमण कर रहे हैं, माँ बाप से क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि माँ बाप का बोलिए निकलना चाहिए घर से, या तो फिर चार दीवारी कहिए? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपने पापा के साथ ही जाते हैं, ये मेरे पापा हुए, हम कहीं भी जाते हैं तो इन्हीं के साथ जाते हैं। और अगर आज हमको पूरा झारखंड में कोना कोना कोई जान रहा है कि सानिया परवीन कोई शेरनी है जेबीकेएसएस में, तो कहीं ना कहीं मेरे घर वाले का सपोर्ट था, क्योंकि बाहर वाले भले आपको सपोर्ट कर ले, लेकिन अगर घर में गार्जियन का परमिशन ना हो तो आप नहीं निकल पाइएगा। तो मेरे साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ पूरा मेरे अम्मी अब्बू मेरे घर वालों का पूरा सपोर्ट है और जेबीकेएसएस वालों का भी सपोर्ट है, इसलिए हम कहीं ना कहीं आज निकले। दीदी, क्या कुछ कहेगा क्षेत्र के जनता को, या तो फिर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जनता को, क्या कुछ कहेगा, क्योंकि अभी आप गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत? देखिए, अभी जितने भी प्रत्याशी हम लोग को जेबीकेएसएस में उठे हैं लोकसभा में, तो सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार है तो गिरिडीह का, कि यहाँ का क्या होगा परिणाम। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो जैसे आग है, वैसे ही लोगों का यहाँ ज्वाला फूटा हुआ, तो कहीं ना कहीं गिरिडीह का ऐतिहासिक हम लोग का वोट दिखेगा चुनाव, कि यहाँ के मतलब भारत में सबसे अलग मतदान से जीतने वाला, क्योंकि पहला ऐसा पार्टी बना के पहला संसद का चुनाव लड़ रहा है और गिरिडीह एक तरह का कहा जाए तो हॉट सीट माना जा रहा है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं एक तरफ, सिटिंग विधायक अभी मथुरा प्रसाद महतो है, और एक तरफ जयराम है, किस नज़रिए से देख रहे हो आप? देखिए, मेरे नज़रिए से क्या होगा, अभी हम जहाँ पे रुके थे वहाँ के जो वेटर सब थे ना, उन लोगों को भी पूछ रहे थे हम कि इस बार किधर किधर वोट दीजिएगा, तो बोलता है सिलेंडर छाप, वहाँ पे था ना सिलेंडर जो खाना पकता था, डायरेक्ट दिखाता है सिलेंडर, तो कहीं ना कहीं लोगों को रुझान है।
जयराम महतो जो बात करते हैं वो सबका बात है, सबका विचार है। बस जयराम महतो एक होता है ना मसीहा, वो बस आवाज़ बन के निकले, बाकी सबका दर्द दुख वही है। तो कहीं ना कहीं सभी को समर्थन है, सहयोग है, और जरूर जयराम महतो विजय प्राप्त करेंगे भारी मतों से। तो ये थे हमारे साथ सनिया प्रवीण जी, जो को जोहर, तमाम साथियों को जोहर। आज बहुत खुशी का माहौल चल रहा है, आज जिस तरीका से जयराम महतो उभरे हुए हैं, बरसों से इंतज़ार था और वो आज हम लोग को देखने को मिला है। ठीक उसी प्रकार मेरे बेटी सानिया भी आदमी को जागरूक कर रही है। अभी एज के मामला में जाना जाए तो मात्र 17 साल की बच्ची है, यानी एक तरह का कहा जाए तो अभी वोट देने का भी इसके पास अधिकार नहीं। बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी झारखंड को जगाने के लिए निकली है, जगाने का काम कर रही है। और इससे हमको बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरा बच्ची आज पूरे झारखंड में जाना जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और माँ बाप को दायित्व बनता है कि बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले दादा अपना नाम बता दीजिए। कि मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम अंसारी हुआ, मेरा घर जिला रामगढ़, ग्राम पोस्ट कर्मा, सुगिया महुआ टुंगरी का हम लोग रहने वाले हैं। एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। आज कैसा फीलिंग हो रहा दादा, आपका बेटी आज पूरा झारखंड को जगाने निकली है? हमको तो बहुत गर्व महसूस होता है, इसलिए कि आज अगर मेरे बच्ची अगर वही तो बोल रहे हैं ना सर कि बच्ची में अगर मेरा बच्ची नहीं सभी का बच्ची में अगर टैलेंट हो तो माँ बाप को हक बनता है, दायित्व बनता है कि उसको आगे निकाला जाए। क्या कुछ कहिएगा जयराम, आज ग्रेट लोकसभा क्षेत्र से आज प्रत्याशी के रूप आज कल हम लोग यहाँ आए रात भर, भैया सब जितने साथी हैं 2400 घंटा हम लोग के साथ में रहे हैं रात भर से लेकर अभी तक, और अभी हम लोग को पहुँचाने के लिए जा रहे हैं। इतना गर्व महसूस हुआ, जहाँ जहाँ जा रहे हैं जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। एक परिवर्तन होगा, बच्चा बच्चा तक के जयराम महतो जिंदाबाद। तो जयराम महतो उस लायक के है दादा, आज बच्चा नेता सबसे नेता जानता था कि नेता आ रहा है तो बचपन को कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन घुस रहे तो बचपन बचपन जयराम। कल एक बूढ़ी दादी जो 70-80 साल के थी कानवा बोलती है जयराम महतो वोट देंगे, इसलिए कि बोल ज़्यादा नहीं पाते, लेकिन देखिए बूढ़ी उतना बूढ़ी भी और बच्चा भी,